नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम सभी जानेंगे इन्फिनिक्स होट 10 का फोल्डर कैसे लगाया जाता है। देख लीजिए, एक कस्टमर लगवाए थे कहीं दुकानदार पर, ये काफ़ी दुकानदार इसमें गलतियाँ कर देते हैं। भाई 10 दिन या 15 दिन हुआ है बता रहा, 10 या 12 दिन कस्टमर बता रहा था इसका टच नहीं काम कर रहा। देख लीजिए, अगर दुकानदार ऐसे गलतियां करते रहते हैं कि छोटी छोटी गलतियां करते हैं जिसमें फोल्डर का गारंटी नहीं रहता है, मौके पर वहां पर चला के दे देंगे, बाद में घर पे लेके आओगे चाहे 2 दिन खराब हो जाएगा चाहे 10 दिन में खराब हो जाएगा, दुकानदार की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। लेकिन दुकानदार छोटी छोटी गलतियाँ करते हैं। अगर इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अगर आपकी एक स्मार्टफोन का फोल्डर खराब हो गया है, फोल्डर की ही बात नहीं बता रहे हैं, कोई एक कंपनी की बात नहीं बता रहे हैं। अगर हमारे चैनल पर नए आदमी हो, नए कस्टमर हो, तो हमारे चैनल को फॉलो करके रख लीजिएगा। मोबाइल के विषय में ऐसे ऐसे जानकारी, छोटी से छोटी जानकारी देते रहते हैं, ताकि आप अगर मोबाइल बनवाने जा रहे हो तो इस बात को ज़रूर में रखिए कि मोबाइल कैसे बनाई जाती है, कौन दुकानदार अच्छा रहता है और कौन दुकानदार खराब रहता है जो बहुत कम काम करता है, उल्टा सीधा काम कर देता है। काफ़ी दुकानदार ये लाइन में बहुत उल्टा सीधा काम होती है, जो बराबर दुकानदार जो पुराने दुकानदार हैं, जो बराबर रिपेयरिंग वाला काम करते हैं, जो खुद करते हैं, जैसे काफ़ी दुकानदार बनवा के लेके आते हैं तब आपकी मोबाइल देते हैं, काफ़ी दुकानदार खुद बना के आपको देंगे, आपके ही सामने बनाएंगे, ज़्यादातर आप मोबाइल अपने सामने ही बनवाएं। इस वीडियो में बने रहिए, पूरा बताएंगे इसका फोल्डर कैसे लगाया जाता है, इसमें क्या क्या दुकानदार गलतियाँ करते हैं, ताकि ज़्यादा दिन ना चले, 10 दिन 15 दिन चले आपका फोल्डर ख़राब हो जाए। देख लीजिए, ये फोल्डर पूरा टूटा भी नहीं है, न गिरा है न दबा है, लेकिन तब भी टच काम नहीं कर रहा। कोई भी इसको बंद करके चालू किए तब भी नहीं काम कर रहा है। अब इसका नया फोल्डर लगाना पड़ेगा, तब जाके ये मोबाइल सही होगी। वीडियो में बने रहिए, चलो वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं। देखिए, ये हमारा नया फोल्डर है, होट 10 मोबाइल है। देख लीजिए, इसमें लिखा हुआ है पूरा होट 10, और ये पेस्टिंग गारंटी वाला है। देख लीजिए, अच्छी कंपनी का, ओजी कंपनी का है। देख लीजिए और देख लीजिए, काफ़ी दुकानदार बता देते हैं कौन कौन गलतियां करते हैं, काफ़ी वीडियो में बताए हुए हैं, इस वीडियो में भी सुन लेना। सबसे पहले देख लेना, ये टेप को नहीं निखारते हैं, देखिए, और ये टेप को निखारना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है, नहीं टच नहीं काम करता है 10 दिन 15 दिन में। देख लीजिए, यही टेप है, अगर नहीं निखारेंगे मौके पर यहाँ काम करेगा, उसके बाद 10 दिन 15 दिन बाद या 1 महीने बाद ये पूरा ग्राउंड इनमें टच नहीं रहेगा तो काम नहीं करेगा। इसको पूरा खींच के ऐसे पूरा चपका लेना है, देखिए, और नीचे टेप लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है, काफ़ी दुकानदार लगाते नहीं हैं, काफ़ी दुकान, देखिए, एक नीचे की ओर टेप लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है, ताकि पानी जाए और केमिकल लगा के चपकाते हैं वो केमिकल इसमें टच ना करें, काफ़ी इससे फ़ायदा रहता है टेप लगाने से। काफ़ी दुकानदार लगाते नहीं तो ये सोचते हैं अगर लगा देंगे तो फोल्डर ख़राब नहीं होगा, दोबारा कमाई नहीं होगी। देखिए, इसको आराम से ऐसे लगाया जाता है, अलग से टेप आता है, कोई भी टेप, कोई पीला टेप होता है, कोई सफ़ेद वाला टेप होता है, कोई भी टेप इसमें लगा होना चाहिए, ताकि जो केमिकल लगाए पत्ते में ना लगे और पानी उनी हल्का फुल्का पड़े तो पत्ते में टच ना करे, साट ना करे, इसीलिए टेप लगाया जाता है। देखिए, इसको आराम से ऐसे लगा देते हैं। अब इसको फोल्डर लगा सकते हो, और ये पन्नी निखारनी पड़ती है, देखिए ये, और ये जो स्टिकर है इसको भी निखारना पड़ता है। देख लीजिए, अब इसको निखार देंगे तो इसको खोलेंगे, लगाते हैं, वीडियो में बने रहिए। फोल्डर लगाने से पहले इतना काम कर लेना चाहिए, देखिए इसकी बैटरी निखारते हैं, सबसे पहले आराम से बैटरी निखर जाती है, अलग से देखिए डिस्प्ले का पत्ता हटा देते हैं और किसी भी किनारे से आराम से उठा लेते हैं। देखिए, इसमें आज बता दे रहा हूँ दुकानदार कौन कौन गलतियाँ करते हैं, अगर आप देखिए, इसमें काफ़ी दुकानदार गलतियाँ कर देते हैं, जैसे इसका पत्ता नहीं निखारते, देखिए टेप जो अभी हम उसमें बताए, देखिए बिना इसका निखारने से, और ये टेप निखारा जाता है तभी जाके इसमें टच होता है, तभी जाके टच बराबर काम करता है, नहीं तो टच खराब हो जाता है। और नीचे कोरी टेप लगा देना चाहिए, देखिए इसमें केमिकल लगा हुआ है काफ़ी इसमें पत्ते में, इसी कारण ये बेकार हो जाता है। और देख लीजिए, इसमें हम कितने बारीकी से अच्छे तरीके से लगाए हुए हैं, टेप भी निखार दिए हैं और पीछे टेप मारे हैं, इसमें वो भी नहीं निखारा गया था। देख लीजिए, अब इसको ये निखार के बैठाएंगे, अगर आप मोबाइल लगाना, वो फोल्डर लगवाना चाह रहे हो,
देखिए ये हमारा फोल्डर है, अब इसको लगाते हैं। लगाने से पहले इसको हटा लेते हैं पन्नी को। देखिए इस पन्नी को हटा लिए हैं, अब इसको लगाते हैं आराम से। देखिए ऐसे लगाया जाता है, पहले हल्का आगे करके पीछे को दबा देना है। देखिए आराम से इसे पीछे को सरका देना है, बस हो गया। और ये नाम भाई नाम से आता है, अपने ही नाम से रहेगा, राइट पे बैठेगा। अब इसको पत्ता लगा लेते हैं। और इसका चार्जिंग बोर्ड लगा लेते हैं और इसको कनेक्ट कर लेते हैं, तब बैटरी को लगाएंगे। बैटरी को कनेक्ट करेंगे इसमें। देखिए बैटरी कनेक्ट हो गई है। देखिए अब इसको ढक्कन को पैक करते हैं आराम से। देखिए हल्का दबाना है, ज़्यादा तगड़ा नहीं दबाना, नहीं तो टूट जाता है। हमारी आदत है और हम बराबर काम करते हैं, हमको पता है कैसे दबाना है कैसे नहीं। देखिए कस्टमर का है कोड, हमको पता नहीं है और ये बराबर पूरा काम कर रहा है। देखिए बराबर टच काम कर रहा है। अब इसको रबड़ लगा लेते हैं। देखिए जैसे रबड़ लगाते हैं वैसे लगाना चाहिए कोई भी मोबाइल का हो। रबड़ को 2 घंटे तक लगाना चाहिए और इसमें गलास 24 घंटे बाद लगवाना चाहिए, नहीं तो गलास लगवाओगे तुरंत 1-2 घंटे बाद तो आपका डिस्प्ले खराब होने का डर रहता है, खराब हो सकता है। कोई कोई डिस्प्ले नहीं खराब होता है और कोई कोई डिस्प्ले खराब हो जाता है, ज़्यादातर खराब होने का चांस रहता है। 24 घंटा बाद लगवाओगे तो चांस नहीं रहेगा ठीक रहेगी मोबाइल। देखिए एकदम ऐसे रबड़ को लगाया जाता है। अगर हमारे चैनल पर नए आदमी हो नए कस्टमर हो तो हमारे चैनल को फॉलो करके रख लीजिएगा, मोबाइल के विषय में ऐसे ऐसे जानकारी देते रहते हैं। चलो ठीक है वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए बाय। जय हिंद जय भारत।